हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड। एन जॉब्स एंड थ्री मशीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको टू मशीन के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद हम जॉनसन एल्गोरिदम का यूज करके जॉब को सीक्वेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस फाइंड करना है, टोटल इलैप्स टाइम, परसेंटेज यूटिलाइजेशन और आइडल टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर गिवन है वो CAB है। इसका मतलब जो जॉब है उसको सबसे पहले मशीन सी पे प्रोसेस करना है, उसके बाद मशीन ए पे और उसके बाद मशीन बी पे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्टिमम सीक्वेंसिंग है इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम और परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द थ्री मशीन्स को फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने थ्री मशीन के केस को टू मशीन में कन्वर्ट किया और उसके बाद जॉब को सीक्वेंस किया। तो जो जॉब की सीक्वेंसिंग है वहाँ पे सबसे पहले जॉब फोर को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जॉब फोर आएगा यहाँ पे, उसके बाद जॉब 1, 3, 5, 2, 8, 7 एंड 6। तो ये हो गया जॉब की सीक्वेंसिंग। अब हमें जो ऑर्डर गिवन है वो CAB है, मतलब सबसे पहले सी प्रोसेस करना है, उसके बाद ए पे और उसके बाद फिर बी पे। तो यहाँ पे जो जॉब फोर है मशीन सी पे, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 मिनट्स का। तो जो जॉब फोर है वो मशीन सी पे 0 मिनट पे इंटर करेगा और 3 मिनट तक इसका प्रोसेसिंग होगा, और 3 मिनट के बाद ये मशीन सी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो जॉब फोर है वो मशीन ए पे इंटर करेगा। तो ये जो जॉब फोर है वो मशीन ए पे 3 मिनट में इंटर करेगा, और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है ये 4 मिनट्स का है। तो 3 मिनट इंटर किया और 4 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम हुआ, तो टोटल हो जाएगा 7 मिनट्स। इसके बाद जो जॉब फोर है वो मशीन बी पे इंटर करेगा, तो यहाँ 7 मिनट पे इंटर किया और इसका 8 मिनट प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये टोटल हो जाएगा 15 मिनट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो 1 है। तो जो जॉब 1 है वो मशीन सी पे 3 मिनट में इंटर करेगा, क्योंकि जो मशीन सी है वो 3 मिनट के बाद फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 मिनट में इंटर किया, और जो जॉब 1 है उसका प्रोसेसिंग टाइम मशीन सी पे 5 मिनट्स का है, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद जो जॉब 1 है वो मशीन ए पे इंटर करेगा, तो जो मशीन ए है वो 7 मिनट्स पे ही फ्री हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो जॉब 1 है वो 8 मिनट के बाद फ्री हो रहा है, इसलिए जॉब 1 मशीन ए पे 8 मिनट पे इंटर करेगा। और इसके बाद जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है जॉब 1 का मशीन ए पे, ये है 4 मिनट्स का। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 12 मिनट्स का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मशीन बी है वो 15 मिनट पे फ्री हो रहा है, लेकिन जो जॉब 1 है वो 12 मिनट्स पे ही फ्री हो गया मशीन ए पे। तो इसमें से जो भी ग्रेटर होगा उस टाइम पे जो जॉब 1 है वो मशीन बी पे इंटर करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 मिनट्स ग्रेटर है, तो 15 मिनट्स में जो जॉब 1 है वो मशीन बी में इंटर करेगा, और इसके बाद जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है ये 8 मिनट का है। तो यहाँ पे जो मशीन, जो जॉब 1 है वो मशीन बी से 23 मिनट्स के बाद बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो जॉब 3 है वो मशीन सी पे इंटर करेगा। तो यहाँ पे जो मशीन सी है वो 8 मिनट के बाद फ्री हो गया है, तो यहाँ पे ये 8 मिनट पे इंटर करेगा, और जॉब 3 का मशीन सी के लिए प्रोसेसिंग टाइम है 2 मिनट्स का, तो वहाँ पे वो 10 मिनट्स के बाद बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो मशीन ए है वो 12 मिनट पे फ्री हो रहा है, लेकिन जो जॉब 3 है ये 10 मिनट्स पे ही फ्री हो चुका है। तो अब हम ये दोनों में ग्रेटर चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो 12 मिनट है ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये 12 मिनट्स पे इंटर करेगा, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है जॉब 3 का मशीन ए पे ये 7 मिनट्स का, तो इसके बाद ये 19 मिनट्स में बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद सिमिलरली हम यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो जॉब 3 है वो 19 मिनट में फ्री हो रहा है, लेकिन जो मशीन बी है वो 23 मिनट्स पे फ्री हो रहा है। तो इसका मतलब जो जॉब 3 है वो मशीन बी पे 23 मिनट्स पे इंटर करेगा, और मशीन और जॉब 3 का मशीन बी पे जो प्रोसेसिंग टाइम है ये 7 मिनट्स का है, तो ये कितना हो जाएगा 30। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है 5, ये यहाँ पे 10 मिनट्स पे इंटर करेगा और 4 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये हो गया 14। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट है ये है 19 मिनट्स। तो जॉब 5 मशीन ए पे 19 मिनट पे इंटर करेगा, और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है ये 5 मिनट्स, मतलब 24 पे ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो जॉब 5 है वो बी पे इंटर करेगा 30 मिनट्स में, और इसका प्रोसेसिंग टाइम 11 मिनट का है, तो ये 41 मिनट्स में बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये 14 पे इंटर किया, 20 पे बाहर आ गया, यहाँ पे ये 24 पे इंटर किया, 30 पे आ गया,
पे 41 पे इंटर किया, इसका प्रोसेसिंग टाइम 10 मिनट्स है, तो ये 51 पे बाहर आ गया। सिमिलरली ये हो जाएगा 20 पे इंटर करेगा, 31 पे बाहर आ गया, यहाँ पे ये 31 पे इंटर करेगा और 39 में बाहर आ जाएगा, 33 में बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों में ग्रेटेस्ट है 51, तो ये 51 में इंटर करेगा और 64 पे बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो जॉब 7 है वो मशीन सी में 31 मिनट्स में इंटर करेगा और 46 मिनट में बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों में ग्रेटेस्ट 46 है, तो जो जॉब 7 है वो मशीन ए पे 46 मिनट में इंटर करेगा और 52 मिनट में बाहर आ जाएगा। फिर ये दोनों में ग्रेटेस्ट 64 है, इसलिए जॉब 7 मशीन बी पे 64 मिनट्स में इंटर करेगा और 73 मिनट्स में बाहर आ गया। इसके बाद यहाँ पे 46 मिनट पे इंटर कर रहा है और ये 55 मिनट्स पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो 55 मिनट्स पे इंटर किया और यहाँ पे जो जॉब 6 का मशीन ए पे प्रोसेसिंग टाइम है ये 3 मिनट्स का है, तो ये 58 मिनट में बाहर आ गया। इसके बाद ये दोनों में ग्रेटेस्ट 73 है, तो यहाँ पे 73 पे इंटर करेगा और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 8 मिनट्स का, तो यहाँ पे जो जॉब 6 है वो मशीन बी से 81 मिनट्स में बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमारा जो टेबल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टोटल इलैप्स टाइम को फाइंड करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल इलैप्स टाइम है, इट इज़ टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट जॉब ऑन फर्स्ट मशीन टू द लास्ट जॉब ऑन लास्ट मशीन। तो हमने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया और जो लास्ट जॉब है 6 वो लास्ट मशीन पे प्रोसेस कर रहा है, तो जो टोटल टाइम मिला जीरो से लेके 81 मिनट्स का, तो यहाँ पे जो ये 81 है ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलैप्स टाइम। तो जो टोटल इलैप्स टाइम है इसको हम मेक स्पैम टाइम भी बोलते हैं, मेक स्पैम टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल इलैप्स टाइम है ये हो जाएगा 81 मिनट्स का। अब इसके बाद हम आइडल टाइम और परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द 3 मशीन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो मशीन ए बी और सी है इसका हम टोटल प्रोसेसिंग टाइम फाइंड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मशीन ए है उसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम है 37 मिनट्स का, मशीन बी का है 74 मिनट्स और जो मशीन सी का है ये 55 मिनट्स। तो इसके बाद हम आइडल टाइम को फाइंड करेंगे। तो जो आइडल टाइम हो जाएगा मशीन ए के लिए, आइडल टाइम फॉर मशीन ए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इलैप्स टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन ए। तो टोटल इलैप्स टाइम यहाँ पे क्या है, 81 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 81 माइनस जो प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए है, मतलब जितना भी जॉब है उसका प्रोसेसिंग टाइम को ऐड कर देंगे मशीन ए के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 37 मिनट्स का और यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 44 मिनट। इसके बाद आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टोटल इलैप्स टाइम में से प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना है 74 मिनट्स का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 मिनट क्या हो गया, आइडल टाइम। उसके बाद आइडल टाइम ऑफ मशीन सी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इलैप्स टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन सी, ये हो जाएगा 55 मिनट्स, तो यहाँ पे जो आइडल टाइम हो गया ये 56 मिनट्स हो गया। तो यहाँ पे जो मशीन ए है वो 44 मिनट तक आइडल कंडीशन में रहा, मतलब 44 मिनट्स तक ये किसी भी जॉब को प्रोसेस नहीं कर रहा था, मशीन बी 7 मिनट्स तक और मशीन सी 26 मिनट्स तक। इसके बाद हम परसेंटेज यूटिलाइजेशन को फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब ए डिवाइड बाय टोटल इलैप्स टाइम इंटू 100, क्योंकि ये क्या है परसेंटेज में है, तो जो प्रोसेसिंग टाइम फॉर ए है ये कितना है 37 मिनट्स का, डिवाइड बाय टोटल इलैप्स टाइम है 81 मिनट्स इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45.67%। इसके बाद परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन बी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन बी डिवाइड बाय टोटल इलैप्स टाइम इंटू 100, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 74 डिवाइड बाय 81 इंटू 100, यहाँ पे ये हो गया 91.35%। सिमिलरली हम परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन से भी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 55 डिवाइड बाय 81 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 67.90%। तो
तो ये था एक क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो जब भी हम थ्री मशीन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऑर्डर को देखना है कि जो मशीन है वो किस ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर था वो था सी ए बी। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन को और भी सॉल्व किया था जिसमें जो मशीन का ऑर्डर था वो ए बी सी था। तो जो ऑर्डर कुछ भी गिवन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम मशीन को टू मशीन के केस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जॉनसन एल्गोरिथम का यूज़ करके जॉब को सिक्वेंस करेंगे। और यहाँ पे हमने टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम फॉर मशीन ए बी सी और परसेंटेज यूटिलाइजेशन फाइंड किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव मोर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग।